आगरा में बैंडबाजों की मधुर धुन और भजनों की स्वर लहरियों के बीच मां नारायणी की शोभा यात्रा में गूंजते जयकारे। शोभा यात्रा के मार्ग में नृत्य करते राधा कृष्ण स्वरूप और सबसे आगे चलती विघ्नहर्ता गणेश जी की झांकी। ये नज़ारा था श्री नारायणी देवी समिति कल्याण समिति की ओर से मंगलवार को जमुना किनारा हाथी घाट स्थित कामाख्या देवी मंदिर से शुरू हुई 24वीं श्री नारायणी देवी भव्य शोभा यात्रा का। महापौर नवीन जैन ने शोभा यात्रा की आरती कर यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में प्रमुख झांकियों में खाटू श्याम, राज राजेश्वरी केला देवी, शिव परिवार, बाबा अमरनाथ, राधा कृष्ण की झांकी, सैन महाराज की झांकी, आज़ादी के अमृत महोत्सव की झांकी सहित कुल 20 सवारियों ने नारायणी देवी शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा संयोजक पवन सिंह ने बताया कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को बच्चों को संस्कारवान बनाने और अपनी संस्कृति से अवगत करने का संकल्प लिए पिछले 24 वर्षों से नारायणी देवी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा कामाख्या देवी मंदिर से प्रारंभ होकर जमुना किनारा, दरेसी रावतपाड़ा, छत्ता बाजार, बेलनगंज होते हुए मोती कटरा स्थित नारायणी देवी मंदिर पर समाप्त हुई। समापन पर वृद्धजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। मैं कुलदीप सभ्यता कोषाध्यक्ष श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति से आज सभ्यता समाज की 24वीं शोभा यात्रा श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति के तत्वाद में निकाली जा रही है, जो कि भव्य रूप में निकलती है। यहाँ करीब 2 दर्जन झांकियाँ और 3-4 बैंड सहित निकलते हैं। समाज का काफ़ी हमें सहयोग मिलता है। करीब 1000 से 1200 की संख्या में भीड़ रहती है, जिसमें जेंट्स हैं, लेडीज हैं और बच्चे सभी उपस्थित रहते हैं। ये मेला काफ़ी भव्य रहता है और आगे भी इसी तरीके से भव्य बना रहेगा। मैं सौरभ कुमार सविता, मीडिया प्रभारी श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति रजिस्टर्ड आगरा। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? आज यहाँ का कार्यक्रम है माँ नारायणी की 24वीं शोभा यात्रा निकल रही है यहाँ पर, जिसमें कि करीब 2 दर्जन से अधिक झांकियाँ शोभा यात्रा में शामिल हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से अपने सविता समाज के बंधु ला रहे हैं, जिसमें कि समाज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन से प्रेरित होकर जो झांकियाँ हैं और भारत भ्रमण की झांकी हैं और जगह जगह से जो झांकी आ रही हैं, सभी समाज को एक संदेश देने के लिए, समाज में जो राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने के लिए झांकी आ रही हैं, जिससे कि समाज में एकता बनी रहे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।